चाहूंगा कि इन सबको अब शर्म आनी चाहिए और इस एजिटेशन को विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इस एजिटेशन में पिछले एक साल के अंदर ऐसी बहुत सी मौतें हो चुकी हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये जो आंदोलन है ये अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अब इस आंदोलन को वापस लिया जाए, समय इस बात की पुकार कर रहा है। यह बर्बरता पूर्वक मामला ना केवल राज्य सरकार के संज्ञान में है बल्कि केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है और हमें पूरी आशा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बारे में उचित कदम उठाएंगे और अगर केंद्र की भी कोई आवश्यकता पड़ी तो उसको भी मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ब्रीफ करके जो सत्य है हरियाणा के इस बॉर्डर के ऊपर जो ये जघन्य दुष्कृत्य हुआ है इसकी जानकारी केंद्र के उसमें लाएंगे और केंद्र भी इस बारे में स्टेप उठाएगा। हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के द्वारा बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है और जिस प्रकार से तालिबान के लोग सता सता कर अमानवीय कृत्य कर करके लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उसी प्रकार से लखबीर को सिंधु बॉर्डर के ऊपर मौत के घाट उतारा गया और संयुक्त किसान मोर्चा 4 घंटे तक इस हत्याकांड को आंखें मूंदे देखता रहा। क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि एक नौजवान युवक को उसके शरीर के अंदर किस तरह से कृपाने घोप घोप कर, किस तरह से भाले घोप घोप कर उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं और इतनी भीड़ में से किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि उस दलित युवक की जान बचाई जाए। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी इस घटना का बहुत जबरदस्त तरीके से संज्ञान लिया है और अधिकारियों को डायरेक्ट किया है कि जो भी दोषी हैं उनको हर हालत के अंदर कानून के सामने पेश किया जाए ताकि कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इस बर्बरता पूर्वक और कायरता पूर्वक हत्या की जिम्मेवारी ले और जो लोग ये टिकैत वगैरह जिस तरह से इस तरन तारण पुलिस ने लखबीर के सारे रिकॉर्ड को खंगाला है, कहीं पर भी इस प्रकार का कोई आपराधिक मामला या उसके शरारत पूर्ण जीवन के बारे में कहीं पर भी तरन तारण पुलिस ने टिप्पणी नहीं की और इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी ने यह कहा है कि मेरे पति एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो गुरु ग्रंथ साहब में गहरी आस्था रखते थे, वो किसी भी कीमत पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं कर सकते, मेरे पति को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतारा गया है और उन्होंने इस सारे जघन्य कांड की जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है और जो किसान नेता इस सारे जघन्य कांड को 4 घंटे तक मूक दर्शक बनकर देखते रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।